इंडिया में ड्राइवरों के लिए एक नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। हिट एंड रन नाम का ये कानून है। इसमें ये है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने के बाद वो भाग जाता है उस स्थान से, तो पनिशमेंट के तौर पे उसको 10 साल की जेल होगी और 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे उसको देने होंगे। मतलब 10 साल वो जेल काटेगा और 7 लाख रुपए वो जुर्माने के तौर पे उसको पे करना पड़ेगा। अब ये जो रूल आया है, जो कानून आया है, जो नियम आया है, इस नियम का, इस रूल का, इस कानून का बहुत विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है उसका रीज़न आप जानिए। सबसे पहले जब कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट बाय चॉइस नहीं होता, बाय मिस्टेक होती है। मतलब एक्सीडेंट वो एक गलती के कारण उसका एक्सीडेंट होता है, जो उसकी लापरवाही आप कह लीजिए या गलती कह लीजिए, बाय मिस्टेक वो एक्सीडेंट होता है। उसके बाद रही भागने की बात, तो अगर ड्राइवर उस स्थान से एक्सीडेंट के बाद ना भागें तो ड्राइवर को अगर चोट नहीं आया होगा एक्सीडेंट में, तो वहाँ की जो इकट्ठा पब्लिक है उसको पीट पीट कर चोट दिला देगी। यानी कहने का मतलब, अगर ड्राइवर चोटिल नहीं हुआ है तो वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति होंगे, जो आसपास के इकट्ठा लोग होंगे, उसको पीट कर चोटिल कर देंगे। चोटिल नहीं, बहुत अच्छी तरीके से चोटिल, ऐसे पीटते हैं कि अब क्या ही बताएं। अब दूसरी बात, इस नियम में जो पनिशमेंट है 10 साल की जेल प्लस 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे। अब इस नियम में जो है ड्राइवरों के लिए नियम है वो काफ़ी, मतलब कड़ा बताया जा रहा है, काफ़ी बहुत प्रभावशाली है, बहुत कड़ा है, बहुत आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही कड़ा है। इसका विरोध हो रहा है ड्राइवरों के लिए। ड्राइवरों का विरोध कैसे हो रहा है, देखिए वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लस अब तक जो सर्विस देते थे उसको अभी ड्रॉप कर चुके हैं, यानी जहाँ थे वहीं से गाड़ी छोड़ के वो भाग रहे हैं। भैया हमको ये ड्राइविंग नहीं करनी है, बाई मिस्टेक अगर हमसे गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में जितना नुकसान नहीं होगा हमारे, उसके बाद उसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर भाग गए वहाँ से, तो और भागेंगे नहीं तो पीट डालेंगे वहाँ की पब्लिक। तो भागना उनकी मजबूरी है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो नहीं भागेंगे तो पीट पीट कर उनको और ज़्यादा चोटिल कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये नियम लाने से ड्राइवरों की जो प्रोटेस्ट है उससे जनता का काफ़ी नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा समझिए आप। सबसे पहले अभी जो न्यूज़ आ रही है या अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जहाँ ड्राइवर थे वहीं से छोड़ दिए अपना काम, अब ट्रांसपोर्टेशन वाले बंद कर दिए हैं, ट्रक ड्राइवर बंद कर दिए हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है, अब नहीं जाएगा तो उस सामान की शॉर्टेज होगी, उस सामान की रेट बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, शॉर्टेज होगी, रेट बढ़ेगी, तो उसमें नुकसान आम पब्लिक का ही होगा। अब इस नियम पे, इस रूल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर लोग, इसका नतीजा क्या आता है आपको क्या लगता है, इस नियम के बारे में, इस कानून के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।